मिस्टर श्रीनिवास रामानुजन, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि आपको मैथ में इंटरेस्ट हो और आप ना जान रहे हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनका नाम ना सुना हो। लेकिन फिर भी आपने अगर इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जाना है तो मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लेकर के इनके बारे में बता देता हूँ। श्रीनिवास रामानुजन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिसंबर 22, 1887 को इनका जन्म होता है और मात्र 33 साल की ही अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस 33 साल की अवस्था में गणित के क्षेत्र में इनका योगदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण ही इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने गणित में बहुत सारे योगदान दिए। स्ट्रिंग थियरी, मॉक थीटा फंक्शन, ये सब इनके बनाए गए रूल्स थे, इनके बनाए गए नियम थे, जिन पर आज भी बहुत सारे लोग स्टडी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। गणित के क्षेत्र में इनका जो योगदान है बिल्कुल विलक्षण सा है। मतलब आप इतना लगा लीजिए कि गणित में जितना योगदान इन्होंने दे दिया और उसके हम एहसानमंद रहें उतना ही कम है। एक बात आपको अच्छे से बता दूं, जो मुझे थोड़ा सा हर्ट करता है, जो दुखद है थोड़ा सा, वो ये है कि भारत जैसे देश में इस तरह का टैलेंट है, इस तरह का ये टैलेंट है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पैदा हुए, उनमें से एक रामानुजन भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत को रामानुजन का टैलेंट समझ ही नहीं आता। मतलब कोई इनको मौका ही नहीं देता, मानता ही नहीं कोई इनको, तो इन्हें बार बार लेटर लिखना पड़ता है विदेश में। और एक गणितज्ञ थे वहाँ पे, मैथमेटिशियन थे हार्डी, और उनको लेटर लिखा करते थे और अपनी थ्योरी ये भेजा करते थे। एक बार हार्डी ने इनका लेटर पढ़ा और इनके एक थियरी से प्रभावित होकर के इन्हें वहाँ पर बुलाया, और उसके बाद फिर जो है रामानुजन रामानुजन कहलाए। आप ये समझ लीजिए कि भारत में इनका दुर्भाग्य रहा कि इन्हें किसी ने पहचाना नहीं। मुझे जो थोड़ा सा चीज़ें हर्ट करती हैं वो ये, रामानुजन से लेकर के सिर्फ मुझे 2 बातों का दुख सबसे ज़्यादा रहा, वो ये है। पहला तो रामानुजन की जो एज है वो बहुत कम रही, जीने का जो समय काल रहा वो बहुत कम रहा, जीवन काल बहुत कम रहा, मात्र 33 साल की अवस्था। अगर ज़्यादा होते, अगर जीवन काल ज़्यादा होता तो शायद मामला कुछ और अच्छा होता, गणित में और भी योगदान दे पाते। दूसरा जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि भारत जैसे देश में इस बंदे की कोई अहमियत नहीं हुई, कोई इज्जत नहीं मिली। इज्जत कब मिली? जब किसी बाहर वाले ने कहा कि ये बंदा बेस्ट है, तब जा करके उनको इज्जत मिलनी स्टार्ट। ये एक दुखद सी बात है कि भारत जैसे देश में लोगों ने इनके टैलेंट को बाद में पहचाना, पहले नहीं पहचाना।